सो आज जब मैं अपने यूट्यूब के पिछले सारे रेसिपीज़ को स्क्रॉल करके देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि मैंने सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डिशेज ही बनाई हैं। तो फिर मुझे डर सा लगा क्योंकि यूट्यूब इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप अगर हिंदी बोलो तो इंग्लिश वाले नाराज, इंग्लिश बोलो तो हिंदी वाले नाराज। तो मैंने सोचा कि कहीं अगर नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज दिखा दिखा कि मेरे कहीं वेज सब्सक्राइबर्स या फिर जो वेज पसंद करते हैं कहीं वो ना रुट जाएँ, तो उसके लिए मेरे दिमाग में आया कि आज हम एक वेजिटेरियन रेसिपी बनाएंगे। सो आज की जो ये रेसिपी होने वाली है एक बहुत ही फेमस जो कि रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, आप फंक्शंस में शादियों में भी उन रेसिपीज़ को आप बार बार देखते हैं। तो आपने अभी तक गेस कर लिया होगा थंबनेल को देख के। तो मैं आज रेसिपी जो आपके साथ साझा करने वाला हूँ वो है एक पालक पनीर। मैंने इसमें कुछ थोड़े बहुत ट्विस्ट दिए हैं, जैसे कि मैंने इसको लहसुनी पालक पनीर वो चीज़। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये वेजिटेरियन शाकाहारी रेसिपी पालक पनीर। सारी इंग्रेडिएंट्स आप अभी अपने इस फ्रेम में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे पालक का इस्तेमाल किया है। तो इस पालक के एक ज़्यादातर हिस्से को मैं प्योरे करूँगा और थोड़े हिस्से को मैं फाइन चॉप करके रखूँगा, जिससे कि पालक पनीर के अंदर एक अच्छा बॉडी उन पत्तों से आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ क्यूब्स कॉटेज चीज़ के पनीर के मैंने पहले से ही काट रखे हैं। मेरे पास कुछ चीज़ है यहाँ पे, एक या दो, अगर वो मीडियम साइज़ नहीं है तो दो, अगर छोटे हैं तो आप तीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पील गार्लिक है। मैं इसमें फ्रेश क्रीम अमूल का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ तक मसालों की बात है तो हमारे पास टर्मरिक है, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन तड़के के लिए और कसूरी मेथी। एक थोड़ा हिस्सा आप 1/4, 1/3 हिस्सा ले सकते हैं। मैंने उनको ऐसे चॉप कर लिया है, अनियन भी चॉप हो चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पालक पनीर की ये लाजवाब रेसिपी। तो सबसे पहले हम अभी अपने पालक को इस प्रकार से ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करते वक्त आपको जो एक बात ध्यान रखनी है, आप पानी के अंदर कुछ सॉल्ट ऐड करें जिससे कि नमक का एहसास होगा। अब हम अपने पालक को इस बॉइलिंग वाटर में ऐड करेंगे। उसे 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर ब्लांच होने देंगे। पालक अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। अब इसे हम यहाँ पे जो ट्रिक अपनाएंगे उसमें इस पालक को हम एक ठंडे पानी या फिर आइस क्यूब वाले वाटर में हम इसको निकालेंगे, जिससे कि इसका जो हरापन है वो बरकरार रहेगा। मैंने यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास आइस क्यूब्स नहीं अवेलेबल थे। आप चाहें तो पानी में आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। हम इन पालक को कुछ इस प्रकार से पालक को प्यूरे कर लेंगे। अब देख सकते हैं बॉईल होने के बाद पालक की क्वांटिटी कुछ इस प्रकार से बची हुई दिख रही है। सो आपको पालक कुछ एक्स्ट्रा ही इस्तेमाल करना होगा इस रेसिपी के अंदर। अगर आप चाहते हैं आपके पालक में एक अच्छा सा पंच हो, कुछ तीखापन हो, तो आप उसमें ये ऑप्शनल कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। दिस पालक प्यूरे इज रेडी एंड वी आर ऑल सेट टू कुक द पालक पनीर। तो हम पालक पनीर की शुरुआत 1 चम्मच घी से करेंगे। मैं इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है जीरा। लेट द क्यूमिन और द जीरा क्रैकल, उसके बाद ही हम इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सो यू कैन सी द स्मोक एंड जीरा इज ऑलरेडी नाइस एंड ब्राउन। सो आई विल बी एडिंग द चॉप गार्लिक। गार्लिक अच्छे से भुन चुके हैं, हम इसमें ऐड करेंगे चॉप अनियन। चॉप
हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे, लिटिल गोल्डन तक ऐसे ही भुनेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन अरोमा इस टाइम मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। आप भी जब कभी घी के अंदर क्यूमिन, जीरा या फिर लहसुन और प्याज को इस तरीके से भुनेंगे तो आपके किचन में एक लाजवाब खुशबू फैल जाएगी। अब हम इसके अंदर टर्मरिक ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। अब इसके अंदर मैंने टमाटर को ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो टमाटर ऐड करें या ना करें। टमाटर ऐड करने से जो एक सहूलियत होती है उससे मसाले का जलना रुक जाता है। मसालों को अच्छे तरीके से भूनने के लिए हम उसमें पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इससे ये पता चलता है कि मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पालक पनीर के अंदर। और वो पालक जिन्हें हमने पहले कुछ इस प्रकार से चॉप कर लिया था उसको भी हम इस वक्त इस मसालों में मिला लेंगे। पालक को इस तरीके से मिलाने से आप अपने पालक पनीर के अंदर एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी देखेंगे। आप चाहें तो अपने सारे पालक को प्यूरे कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप एक थोड़े से हिस्से पालक को चॉप करें और मसालों के साथ कुछ इस तरीके से भून लें। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे। अभी उपयुक्त समय है जब हम अपने पालक प्यूरे को कुछ इस तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे। अब चूंकि हमने इसमें अपने पालक प्यूरे को ऐड कर लिया है तो अब इसे हम ढक के कुछ 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि पालक के अंदर कोई भी जो कसर रहेगी वो अच्छे से पक के एक अच्छा सा अरोमा सब कुछ मसालों के साथ मिक्स होके एक बेहतरीन लजीज मसालेदार पालक हमारे सामने होगा। सो नाउ द पालक इज ऑलमोस्ट कुक्ड, विल बी एडिंग द फ्रेश क्रीम। एंड द ट्विस्ट। Added lots of cheese in it. Right, time to add the cottage cheese. Ek acha sa mix. Ab hum iske andar jo final stage hai, jo ki hum ek लाजवाब तड़का देने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक चम्मच घी, कुछ जीरे इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक बार जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए हम उसके अंदर ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से कटे हुए लहसुन। और सूखे लाल मिर्च, सो तैयार है लहसुनी पालक पनीर।
विथ चीज। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी पालक पनीर की, आप ज़रूर बताएं हमें, कमेंट करें। अगर इससे जुड़े कुछ सवाल हो तो आप बेशक पूछें मेरे से, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसके साथ ही हम आज का ये ब्लॉग यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ इसके लिए भी आप कमेंट में बताएं आपको क्या देखना है मेरे इस अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।